अब कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं, ईआरपी के कंसेप्ट में ही हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी, कि ईआरपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी। द फर्स्ट इज इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने आपको ईआरपी का कंसेप्ट बिल्कुल स्टार्ट किया था उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि ईआरपी में हम बेसिकली क्या देखते हैं, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, सो पहला हमारा बेसिक एडवांटेज यही हो जाता है कि ईआरपी के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। यही सबसे बेसिक एडवांटेज है ईआरपी का। नेक्स्ट एडवांटेज इज क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी हमने रीजंस में भी पढ़ा था कि ईआरपी को अडॉप्ट करने का रीजन क्या है, उसमें भी हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया था कि ईआरपी की हेल्प से कोई भी डिपार्टमेंट हो या फिर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट हो डिसीजन मेकिंग बहुत इजीली कर सकता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज इज क्विक डिसीजन मेकिंग। ईआरपी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसीजंस को बहुत इजीली ले सकती है, जस्ट बिकॉज हमारे पास हर चीज का डेटा सेंट्रलाइज वे में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। अगर हमें फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना है कि हमारे फ्यूचर में सेल्स कितनी होगी या हमारे फ्यूचर में प्रोडक्शन हमें कितना करना होगा या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आनी चाहिए, हमें सप्लाई कितनी करनी है, तो इन सारी फोरकास्टिंग के लिए जब भी हम कभी फोरकास्टिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले पास्ट डेटा अवेलेबल होना चाहिए। हम सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, देन हम फोरकास्ट करते हैं कि आगे क्या हमारी चीजें हो सकती हैं। सो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो हमें ईआरपी की हेल्प से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ताकि हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग किसी भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग कर सके, जस्ट बिकॉज हमारे पास सारा डेटा सेंट्रलाइज वे में ईआरपी के थ्रू अवेलेबल है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम। रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम मींस लाइक अगर किसी डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट को, सपोज यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट है, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड आपका सेल्स। ठीक है, अब इस सारे डिपार्टमेंट में अगर सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, सो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है। यहाँ पर जो दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन पहले से बना हुआ है और बेसिकली ये सब लोग अपना एक सेंट्रलाइज डेटा भी शेयर कर रहे हैं ईआरपी पे। सो यहाँ पर इसको इतना लंबा साइकिल फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले वो सेल्स के पास जाए, जेन एचआर के पास जाए, जेन वो फाइनेंस के पास जाए। अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो वो एक दूसरे से ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है, वो वहां से अपना डेटा डराइव कर लेते हैं, वरना अदरवाइज ईआरपी के थ्रू जहाँ पे सारा सेंट्रलाइज डेटा बेस है वहां पर अपना वहां से जाके डेटा डेराइव कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो ये साइकिल का टाइम होता है, जो एक फ्लो होता है ये इंस्ट्रक्शन का, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, वो उस चीज को हमने रिड्यूस कर दिया है किसमें, ईआरपी में। सो ईआरपी की एक एडवांटेज ये भी बन जाती है कि यहाँ पर जो भी साइकिल टाइम था उसका रिडक्शन हो गया है, हमें क्विक वे में सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है ईआरपी के थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव होती है, बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका है वो इंप्रूव होता है और हमारी काम करने में एफिशिएंसी भी बनी रहती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज होने का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, सारा डेटा का फ्लो एक रेगुलर वे में हो रहा है, इंस्ट्रक्शन का फ्लो रेगुलर वे में हो रहा है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं हो सकता या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो सकती। तो उन सारे एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी तीनों ही मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ ईआरपी। सो दिस इज अ बेसिक एडवांटेज ऑफ ईआरपी। नेक्स्ट इज बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे, लाइक कस्टमर ने अगर कोई क्वेरी की, ठीक, और उस वो क्वेरी सपोज सेल्स डिपार्टमेंट के पास आई किसी भी चीज के रिगार्डिंग, हो सकता है उन्होंने किसी ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करी जो अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास अगर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट से उस इन्फॉर्मेशन को गेट करेगा. सो फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा क्विकली. तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो कस्टमर की जो क्वेरी हैंडलिंग प्रोसेस होती है तो वो बहुत क्विक वे में होती है, जस्ट बिकॉज हमारे सारे डिपार्टमेंट का डेटा सेंट्रलाइज होता है. सो इस वजह से कस्टमर क्या हो जाता है, आपका सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उसकी जो क्वेरी की हैंडलिंग है वो बहुत क्विक वे में हो रही है, उसे प्रॉपर आंसर मिल रहा है अपने क्वेश्चंस के, और हमारे प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट्स मिलके कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटी. ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो एक सीक्वेंस में हो रहा है. सो इस वजह से इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट होती है, करेक्ट होती है. एंड नेक्स्ट इज जिसकी हेल्प से हमारी डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटी भी बिल्डअप हो जाती है. इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होके हम कोई भी डिसीजन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं. ईआरपी के डेटा पर बेस्ड होके हम कोई भी डिसीजन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ योर ईआरपी. नाउ कम्स टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी. कि आपकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं ईआरपी में. द फर्स्ट इज एक्सपेंसिव एंड कंज्यूमिंग टाइम इन इम्प्लीमेंटेशन. ऑब्वियसली बात है, ईआरपी का सेटअप लगाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हमें ईआरपी का सॉफ्टवेयर डेवलप कराना पड़ता है. सो उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की कॉस्ट काफी ज्यादा आती है. तो इस वजह से हमने क्या बोला इसको कि दिस इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. जस्ट बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलप होता है देन इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन इंटीग्रेशन. सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना, सारा डेटा इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी टास्क नहीं होता है. इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती ही आती है. सो बहुत इंटीग्रेशन में मेनली हमें डिफिकल्टी अराइज होती है, जस्ट बिकॉज इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट्स का इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता. ठीक. द नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस. एक बार अगर आपका ईआरपी डिजाइन हो गया, उसका सॉफ्टवेयर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद अगर आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं. तो दूसरी डिसएडवांटेजेस हमारी यही हो जाती है कि हमारे पास जो भी हमें अगर कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करने होते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं. होप यहाँ पे आपको ईआरपी का कंसेप्ट समझ में आया होगा. मैंने आपको यहाँ पे ईआरपी का कंसेप्ट समझाया, ईआरपी का रीजन समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी को क्यों अडॉप्ट करती है, फिर मैंने आपको ईआरपी का मॉडल समझाया. देन आज हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे तो किए. सो यहाँ पे हमारा ईआरपी का कंसेप्ट कम्प्लीटली कवर हो जाता है. आने वाली वीडियोज में हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए या फिर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ गुड डे.